जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पिछले 8-10 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में बरसात हुई है। ये बरसात कहीं पर हल्की हुई है, कहीं मध्यम हुई है और कहीं भारी हुई है। इस बरसात में कुछ स्थानों पर देखने में आया है कि ओलावृष्टि भी हुई है, साथ ही साथ तेज हवाएं भी चली हैं, जिसकी वजह से फसल को नुकसान हो सकता है। कुछ फसलें आपकी गिर सकती हैं, या जैसे सरसों की फसल है उसके दाने छिटक सकते हैं, तो नुकसान भी है, लेकिन दूसरी तरफ बरसात का फायदा भी है। जैसे दूध अवस्था में मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल है, तो उसमें आपको पानी नहीं लगाना पड़ेगा अगर बरसात अच्छी होगी, लेकिन साथ ही साथ जहां ज़्यादा पानी भर गया हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, सरसों की हो, सब्जियों की फसल हो, कोई भी फसल हो, जल निकास करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ जगह पर मान लीजिए आपकी सिंचाई की ज़रूरत है फसल को, तो उस सिंचाई को 2-4 दिन टाल दें। मौसम की जानकारी लेने के बाद ही अपने जो कृषि के क्रियाकलाप हैं उनको अपनाएं। इसी तरीके से कुछ फसलों में आपके कीड़े बीमारी इस समय आ जाते हैं, जिसके लिए किसान भाई छिड़काव करते हैं। ये जो छिड़काव होता है दवाइयों का या रसायनों का, इसको आपको हमेशा साफ मौसम में करना है। जब आपको पता लग जाए कि आने वाले 2 दिन में बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं है, तब आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बारिश आने वाली है, तो आप इस तरह के छिड़काव को 2-3 दिन के लिए टाल दें। साथ ही साथ जो फसल आपकी जैसे चने की है, मसूर की है, मटर की है, या और कोई अन्य फसल जो पक चुकी है, उसकी आप व्यवस्था करें कि जल्दी से जल्दी आप उसकी कटाई कर लें। कटाई करते समय भी आपको मौसम का ध्यान रखना है। अगर मौसम में बरसात आने वाली है तो 1-2 दिन उस कटाई को टाल दें, और फिर सही मौसम होने पर तुरंत आप उसकी कटाई करें, और सुखाने के बाद उसको खलिहान में भी सुरक्षित रख सकते हैं, या किसी पॉलीथीन या कपड़े या किसी अन्य चीज़ से उसको अच्छे से ढक के रख सकते हैं, जिससे कि बरसात का उस पर कुप्रभाव ना पड़े। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस बरसात का हम फ़ायदा भी ले सकते हैं, ख़ास करके जो हमारी जायदकालीन फसलें हैं उनकी बुआई में। कई बार जायदकालीन फसलें किसान भाई लेते हैं, जैसे चारा है या उड़द और मूंग है या सब्जियों की फसलें हैं, उनमें आपको पहला पानी लगाना ही नहीं पड़ेगा। जो नमी आपको इस बरसात से मिली है, उस नमी की मदद से ही आप अपनी जो जायदकालीन फसलें हैं उनकी बुआई कर सकते हैं।